देख सकते हैं ये आ गया है, हमारा एंट्री होने वाली है एक्सप्रेस वे की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है जेवर अलीगढ़ मथुरा आगरा यमुना एक्सप्रेस वे पे आपका स्वागत है, आपकी एंट्री हो चुकी है यमुना एक्सप्रेस वे पर। साइड में आप देख सकते हैं नोएडा इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट साइट, जैसे आप सामने बोर्ड देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है यमुना एक्सप्रेस वे में आपका स्वागत है। और आप सोच सकते हैं जब आने वाले टाइम में यहाँ पर जेवर एयरपोर्ट बन चुका होगा तो इस रोड के दोनों तरफ कितनी ज़्यादा USPs आ जाएंगी और इसके अलावा आपको बहुत सारी फैसिलिटीज यहाँ पर मिल जाएंगी। दोस्तों सामने आप देख सकते हैं बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय परिपथ, क्रिकेट स्टेडियम, स्पोर्ट सिटी, आपको इस जगह पर क्या नहीं मिलता है, यानी सारे यूनिक सेलिंग पॉइंट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। आज की वीडियो में आपको लेकर के आगे एक बहुत ही अच्छा प्राइम लोकेशन पर प्रोजेक्ट। दोस्तों अगर आप इस दिवाली पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना तो बिल्कुल अभी रुक जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप इस वीडियो को देख करके इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा बहुत ही अच्छी जगह लगने वाला है और बहुत तेजी से डबल होने वाला है। दोस्तों आज की वीडियो में हमारे साथ हैं अर्जुन जी। सर क्या हाल चाल है? बढ़िया सर, बताइए कैसे हैं आप? सर बिल्कुल ठीक है। सर यहाँ तो मैं देख रहा हूँ सर पूरा माहौल ही चेंज हो गया है। सर कुछ दिन पहले जब हम मिले थे और हमने एक वीडियो बनाई थी आपकी इसी साइट की, एग्जैक्ट, तो सर जब और अब में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है और फर्क भी आ गया है जी। थोड़ा सा बताइए सर प्रोजेक्ट कहाँ पर है और किस जगह पर है सर? देखिए अभी अब जो हम यहाँ पे खड़े हुए ये है हमारा यमुना एक्सप्रेस वे, जो कि नोएडा दिल्ली से आपका मथुरा वृंदावन होते हुए आगरा तक जाता है। ठीक है जी। इसी यमुना एक्सप्रेस वे पे हमारी सोसाइटी है हरित वाटिका के नाम से, जो कि 95 एकड़ की सोसाइटी है और डेवलप सोसाइटी है आपकी, और आपको भी चल के अंदर दिखाएंगे कितना डेवलप्ड है, रोड वगैरह सारी चीजें। और दोस्तों जैसे कि आपको पता है अब जेवर एयरपोर्ट पर पहली उड़ान उड़ने वाली है, जिस तरह से पहली उड़ान उड़ेगी उसी तरह से यहाँ के सर प्राइस भी बढ़ेंगे। प्राइस बढ़ेंगे, एग्जैक्टली बढ़ेंगे। सर हम ये कह सकते हैं आप लास्ट टाइम आए थे आपने देखा था क्या रेट था और आज फिर मैं आपको बताऊंगी आज क्या रेट है। यानी सर फायदा हुआ है लोगों को? बहुत फायदा हुआ है, बहुत। मैं आपको एग्जैक्ट दिखाऊंगा भी सारी चीजें। तो आइए दोस्तों आपको लेके चलते हैं, प्रोजेक्ट दिखाते हैं। देखिए यमुना एक्सप्रेस वे से आप अपने प्लॉट्स को देख पाएंगे, ये सामने आपका प्रोजेक्ट है, आइए आपको लेके चलते हैं। देखिए दोस्तों अब यमुना एक्सप्रेस वे से आगे हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ, पीछे आपको दिखाई दे रहा है यमुना एक्सप्रेस वे, तो सर यही हमारा प्रोजेक्ट है जी। हाँ जी, यही हमारा प्रोजेक्ट है। क्या बात, इसका ये मेन एंट्रेंस रहेगा। इसके सिर्फ दो ही मेन एंट्रेंस है, एक आपका यहाँ ये मेन एंट्रेंस रहेगा और एक आपका सेकंड आगे, वो भी मैं आपको भी विजिट करा के दिखाऊंगा। तो सर ये गाड़ी किस लिए खड़ी हुई है यहाँ पर? सर ये जो हमारी गाड़ी है ये है जैसे लोग हमारे विजिट के लिए आते हैं उनको विजिट कराते हैं, पूरा प्रोजेक्ट दिखाते हैं कि कहाँ पे हमारा पार्क है, कहाँ पे क्लब हाउस है, कहाँ पे मंदिर है, सारी चीजें। तो सर इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि हमें गाड़ी की जरूरत पड़ती है? सर बिल्कुल सर, आप पैदल चलते चलते थक जाएंगे लेकिन आप प्रोजेक्ट पूरा विजिट नहीं कर पाएंगे, इसी वजह से हमने ये गाड़ी रखी हुई है जिससे कि लोगों को दिक्कत परेशानी ना हो। और दोस्तों देखिए यहाँ पर एंट्री गेट एग्जिट गेट दोनों बने हुए हैं। सर मैं एक चीज जानना चाहूंगा, जैसे प्रोजेक्ट तो देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर सेल कर रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन इतना वेल डेवलप प्रोजेक्ट मैंने आज तक किसी का नहीं देखा। नहीं देखा। अब मुझे ये बताइए एक तो कंपनी के बारे में सर और एक अपने बारे में, आप कितनी साल से वर्क कर रहे हैं और सर किस तरह से प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं और इस प्रोजेक्ट में हमें क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? जी हमारी जो कंपनी का नाम है हरित होम्स के नाम से हमारी कंपनी है, जिसका ये प्रोजेक्ट है हरित वाटिका। ठीक है। 95 एकड़ की हमारी ये पूरी टाउनशिप है जिसके अंदर आपको सारी अमेनिटीज मिल रही हैं, लाइक आपको हॉस्पिटल, क्लब हाउस, स्कूल, पार्क, मंदिर, सारी चीजें इसके अंदर रहेंगी। ठीक है। इसमें चार हमारे फेज हैं जिसके अंदर दो फेज हमारे पूरे सोल्ड आउट हैं। अच्छा, और दो फेज में आपको अवेलेबिलिटी मिल जाएगी इसके अंदर। क्या बात है। ठीक है, डेवलप सोसाइटी है आपकी। कुछ लोग तो बोलते हैं कि हाँ जी हम ये डेवलप करके देंगे, ये बना के देंगे, बना के देंगे, बिजली देंगे, हम पहले से ही सारी चीजें डेवलप कर चुके हैं। क्या बात है, ऑलमोस्ट 90% चीजें बन चुकी हैं। बाकी जब आप विजिट करेंगे मैं आपको इस गाड़ी से विजिट कराऊंगा और दिखाऊंगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है बाकी में या मैं ऐसे फेंक रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो सर ने आपको चीजें बताई हैं वो सारी चीजें हम आपको अभी इसी गाड़ी से विजिट करके दिखाएंगे। तो सर चले एक बार। हाँ आइए, मैं एक बार आपको पूरा विजिट कराता हूँ, दिखाता हूँ कहाँ पे पार्क है। इस तरह से देखिए आपको विजिट कराया जाएगा, आप इस गाड़ी में आएंगे और आप इस प्रोजेक्ट को देखेंगे।
तो सर यही प्रोजेक्ट है हमारा, ये हमारा एंट्रेंस है और इस एंट्रेंस में ही ये हमारा फेज वन स्टार्ट हो जाता है। तो सर ये कितने फीट के रोड है हमारे? ये हमारे 60 फीट के रोड है यहाँ से लेके यहाँ तक के। इस सोसाइटी के अंदर मैं देख पा रहा हूँ आपने ऑलरेडी पहले से RCC के रोड बनाए हुए हैं। पहले से ही बने हुए हैं। मैंने आपको बताया था ये हमारा मेन रोड था जो कि 60 फीट का रोड है। अच्छा। अंदर के ये जो हमारे 25 फीट 30 फीट और 40 फीट के रोड है, यानी कह सकते हैं सर RCC का रोड तो कभी खराब ही नहीं होता। नहीं होता एग्जैक्टली। सर ये क्या बना हुआ है? ये हमारा साइट ऑफिस बना हुआ है जिससे कि जो भी लोग आते हैं विजिट के लिए तो इनको बैठ के यहाँ पे समझाया जाता है, दिखाया जाता है सारी चीजें, चाय पानी नाश्ता सारी चीजें कराई जाती हैं, उसके बाद सारी चीजें दिखाई जाती हैं। क्या बात है, यानी दोस्तों साइड ऑफिस भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। और सर यहाँ पर ये क्या बने हुए? ये हमारा पार्क बना हुआ है, एक पार्क ये है हमारा। यानी सर पहले से डेवलप कर दिया आपने? जी देखिए, हाँ बिल्कुल, काफी ग्रीनरी हो रखी है सर। पार्क है, जितने भी पेड़ पौधे हैं सारी चीजें हमने पहले से ही बना रखी है, जब तक लोग आएंगे तब तक काफी ग्रीनरी और काफी लेवल पे हो जाएंगे, काफी बड़े लेवल पे। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा एक बार हमारी तरफ दिखाएं। अब देखिए दोस्तों इसी गाड़ी के अंदर आपको विजिट किया जाएगा क्योंकि दोस्तों प्रोजेक्ट काफी बड़ा है जी। और अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पर जो आपको सुविधाएं दी जा रही है ना वो पहले से ही सारी डेवलप की हुई है, की हुई है। ऐसा नहीं कि हम आज आपसे कह रहे हैं कि रोड बना करके देंगे तो पता नहीं कब बनेगा। यहाँ पर ग्रीनरी करके देंगे, कब होगी, हो रखी है ऑलरेडी। और चीज का वेट नहीं करना, चाहे वो रोड हो चाहे नाली हो चाहे सीवर हो चाहे पार्क हो, सब कुछ डेवलप्ड है आपका। एक बार मैं कहूंगा देखिए सामने यमुना एक्सप्रेस वे है जो आपको खैर ये लोगों ने अपने बाउंड्री। और सर ये येलो कलर के क्या प्लॉट नंबर के लिए लगाए? प्लॉट नंबर है ये आपके जो देख रहे हैं, जितने भी आपके लगे हुए हैं माइलस्टोन है ये, जिसमें प्लॉट नंबर है आपके सारे। और ये भी देखिए दोस्तों यहाँ भी प्लॉट नंबर रहेंगे, यहाँ मतलब आप अपने प्लॉट के सामने खड़े होकर देख सकते हैं कि हाँ जी ये हमारा प्लॉट है। अच्छा अच्छा, तो सर जैसे कि एंट्री मुझे लग रहा है इधर से भी दी हुई है क्या? सेकंड एंट्रेंस हमारा ये है, फर्स्ट एंट्रेंस वो था हमारा। अच्छा अच्छा। और सेकंड एंट्रेंस हमारा ये है, आप देख सकते हैं। एक बार एंट्री दिखाइए आप देख सकते हैं, इतना चौड़ा रोड फ्री होल प्लॉट में कोई भी नहीं बनाता। अरे सर ये तो वाकई में बहुत चौड़ा रोड है। कितना चौड़ा रोड है, आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं हो सकती। और उधर भी दिखाइए एक बार, देखिए ये कितना चौड़ा रोड आपको यहाँ पर मिल रहा है, देख सकते हैं दोस्तों। ये पूरा RCC का रोड है और ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पर RCC के रोड बना दिए गए हैं। बिल्कुल पीसफुल माहौल है, बिल्कुल शांति है, बिल्कुल एकदम शांति है। आप आज बना के आज रह सकते हैं, रह सकते हैं। इतनी सारी सुविधाएं हम पहले से ही करके दे रहे हैं, किसी चीज का वेट नहीं करना है। सर ये क्या बना हुआ है इधर की? ये हमारा क्लब हाउस है। अच्छा, जो अच्छा, हमने कमिटमेंट किया था कि हम क्लब हाउस बना के दे रहे हैं, वो हमारा क्लब हाउस आप देख सकते हैं 2 मंजिल तक बन चुका है। अच्छा, फिनिशिंग का काम चल रहा है। क्या बात है दोस्तों, देखिए हर चीज आपको यहाँ पर ना डेवलप होते हुए दिखाई दे रही है और बन रही है। कॉमर्शियल है जहाँ पे हमारी ये सारी शॉप्स बन रही है, जो डेली बेसिक नीड्स जो भी होती है वो आप यहाँ से ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं चीजें। क्या बात है, यानी दुकानें बनाई जा रही है। जी हाँ जी, ये लीजिए दोस्तों यहाँ पर आप, तो सर दुकान भी हम क्या खरीद सकते हैं यहाँ पर? दुकान भी आप खरीद सकते हैं हमारा, आप देख सकते हैं सामान पड़ा हुआ है। ये हमारे जितने भी इंटरनल रोड है, जैसे हमारा ये रोड बन चुका है, इस रोड के बाद जो हमारे इस कॉमर्शियल के बराबर में जो रोड है उससे बनाने के लिए हमारा ये सामान आया हुआ है। अच्छा, अच्छा। आप देख सकते हैं ये राइट में भी हमारा रोड बन रहा है। अच्छा इधर भी दिखाइए, ये वाला भी सर इस पे भी काम होगा, इस पे भी काम होगा, इसके दोनों तरफ प्लॉट है इधर में भी और उधर में भी, तो बीच में ये आपका रोड है। और ये नाली और दिखाइए दोस्तों, देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं ना रोड को बिल्कुल डिवाइड किया हुआ है, यानी पहले रोड फिर ड्रेनेज उसके बाद फिर दूसरा रोड है। सर मुझे ये बताइए जैसे आप ये क्लब हाउस बना करके दे रहे हैं जी, तो सर ये हमारा जैसे आपने दिखाया फेज 1 फेज 2 और ये फेज 3 रहेगा राइट, तो सर यहाँ क्लब हाउस के अलावा और क्या क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं इसे आप? इस क्लब हाउस के अंदर हम आपको स्विमिंग पूल, ठीक है, गेस्ट हाउस, हाँ जी, जिम, ये सारी चीजें हम क्लब हाउस के अंदर देंगे। ठीक है ठीक है। कम्युनिटी सेंटर हम बना के दे रहे हैं जिसके अंदर जैसे घर में कोई फंक्शन होता है तो उसमें 150 से 200 लोगों की गैदरिंग हो सके। अच्छा, इस तरीके से हम उसमें हम कम्युनिटी हाउस में बना के दे रहे हैं। क्या बात, ठीक है, उसी के अंदर हम आपको इंडोर गेम्स दे रहे हैं। अच्छा, सारी चीजें उस कम्युनिटी सेंटर के अंदर रहेंगे दोस्तों। ये सिर्फ सोसाइटी वाले लोगों के लिए की जा रही है सुविधाएं, बाहर का कोई लोग आकर के यहाँ अपना फंक्शन नहीं करेगा जी। तो एक तरह से कह सकते हैं सर पूरी प्राइवेसी है, पूरी प्राइवेसी। और सिक्योरिटी की बात करें तो एग्जिट और एंट्री गेट प्लस CCTV कैमरा और गार्ड रूम के साथ आपको ये प्रॉपर्टी दी जा रही है क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जी। सर वहां पर मैं देख रहा हूँ वो क्या काम चल रहा है सर? ये हमारा फोर्थ फेज है जिसका काम स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, इसमें इधर हमारा 40 फीट का रास्ता कट रहा है, यहाँ पे ये गाड़ी खड़ी हुई है, ये 40 फीट का रास्ता सीधे जाएगा। अच्छा, अच्छा। और इसके बराबर में ये हमारे प्लॉट्स आएंगे और इसी प्लॉट्स के बीच में 1 एकड़ का गोल्फ पार्क हम लेके आ रहे हैं। अरे वाह, 1 एकड़ का, 1 एकड़ का गोल्फ पार्क जी, बहुत बड़ी चीज होती है 1 एकड़ दोस्तों। देखिए लोग पार्क के नाम पर छोटी छोटी जगह दे देते हैं लेकिन यहाँ पर 1 एकड़ की तो आपको पार्क
दिए जा रहे हैं। सर जैसे कि मैं देख रहा हूँ ये हमारा पूरा कमर्शियल एरिया रहेगा सर। हाँ जी, ये आप देखिए यहाँ से लेके उस कोने से लेके और इस कोने तक ये पूरी सारी आपकी 17 शॉप्स बन रही हैं इसके, यानी 17 दुकानें बननी है दोस्तों, पूरा कमर्शियल एरिया रहने वाला है। और यहाँ पर सर दुकानों का साइज क्या रहेगा सर? दुकानों का जो साइज है वो 9x18 की दुकानों का साइज है। और यहाँ पर सर हम दुकान भी खरीद सकते हैं? अभी दुकान भी आप खरीद सकते हैं, दुकान लिमिटेड कुछ अभी अवेलेबल है। सर मैंने तो ये सुना है प्लॉट से ज्यादा पैसा दुकानों में बढ़ता है, दुकानों में मिलता है। तो दोस्तों अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं ना तो प्लॉट के साथ साथ एक दुकान भी लीजिए, क्योंकि आज आप दुकान लेते हैं तो आपका पैसा बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट देकर के जाएगा। क्योंकि दोस्तों कमर्शियल प्रॉपर्टी का पैसा बहुत तेजी से बढ़ता है, आपको पता ही होगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे थोड़ा इन दुकानों के सामने, जो ये रोड आप देख पा रहे हैं सर, ये भी वही हमारा बड़ा और वाइड रोड रहेगा सर? राइट 25 फीट का रोड है हमारा, 25 फीट का ही रोड है। और सर ये पीछे जो काम हो रहा है ये किस चीज के लिए आया? ये देखिए हमारी रोड ही पड़ी हुई है, गिट्टी है, सारी चीज सामान पड़ा हुआ है, जो कि हमारी जो शॉप्स हैं इसके बगल में जो रोड जा रहा है आपका, अच्छा जी, अच्छा। ठीक है, उसको बनाने के लिए हमारा ये काम चल रहा है। और यहाँ पर सर ये हमारा पार्किंग स्पेस रहेगा? ये पार्किंग स्पेस रहेगा, जैसे कोई आता है अपना गाड़ी खड़ी करता है, बाइक खड़ी करता है, अपना रुक के अपना सामान लो, अपना जो भी बेसिक नीड है वो अपना लेके अब जा सकते हैं। क्या बात है दोस्तों, देखिए शॉप्स के साथ साथ आपको पार्किंग भी यहाँ पर दे दी गई है। मैं तो ये कहूंगा दोस्तों अगर आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं ना तो बिल्कुल अभी रुक जाइए यहाँ पर आकर के, एक बार इस प्रोजेक्ट को देखिए। और यही सबसे सही समय है यहाँ पे प्लॉट या शॉप्स लेने का, क्योंकि नेक्स्ट मंथ आपकी इस पे ट्रायल स्टार्ट हो रहे हैं फ्लाइट के। अच्छा, और अप्रैल में इसका फ्लाइट, जिस दिन यहाँ से पहली फ्लाइट फ्लाई होगी आप सोच नहीं पाएंगे ये रेट हो जाएंगे यहाँ पे, यानी प्राइस भी दोस्तों बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे। जैसे ही पहली उड़ान होगी उसी हिसाब से प्राइस भी बढ़ेंगे, एकदम बूम आएगा प्राइस पे। बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्या है कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, ठीक है, जिसके अंदर डोमेस्टिक एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कार्गो हब और एमआरओ हब बन रहा है। एमआरओ हब होता है जितनी फ्लाइट होती हैं उसकी मेंटेनेंस होना, उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं फ्लाइटों के वो बनना। तो ये मान के चलिए कि अभी नहीं लिया तो आप कभी फिर ले ही नहीं पाएंगे, इतना उछल आएगा। सर मैंने ये भी सुना है ना यहाँ पर तो कमर्शियल कंपनीज भी आ रही है बहुत सारी, बहुत सारा इंडस्ट्रियल हब आ रहा है यहाँ पे, बहुत सारा यहाँ पे एक आपकी 1000 एकड़ में फिल्म सिटी भी बन रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आने वाले समय में यही फ्यूचर है आपका। इस कंपनी में मैं 4 साल से वर्किंग हूँ, ये मेरा आईडी कार्ड है कंपनी का, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो कंपनी वाले जो ओनर हैं हमारे, इनका कहना है पहले हम चीजें बना के देंगे उसके बाद हम सेल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सारी ट्रांसपेरेंसी है आपकी, ये नहीं है कि हाँ जी आप 1-2 साल वेट करना पड़ेगा, रोड नहीं बनी है या ये बनना है वो बनना है, सारी चीजें पहले से कंप्लीटेड करके दे रहे हैं। सर डॉक्यूमेंट्स की जैसे हम बात करते हैं, हर प्रॉपर्टी में जो लीगैलिटी के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो सारे प्रोवाइड कर, वो सारे प्रोवाइड आप एक बार विजिट प्लान कीजिए, मैं आपको रजिस्ट्री, म्यूटेशन, दाखला खारिज, सिजरा, जितने भी वंशावली, जितनी भी चीजें होती है वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। आप जब सेटिस्फाई होते हैं फिर आप आगे कदम बढ़ाइए, अदरवाइज आपका वो है जो भी करना है, जो भी डिजाइन लेना चाहे आप ले सकते हैं। सर इसके अलावा मैं जानना चाहूंगा, अभी देखिए हमारे भाइयों के लिए बताइए दुकान क्या प्राइस में मिल जाएंगी? सर देखिए दुकान यहाँ पे 9x18 की हमारी दुकान है, जो कि 19 लाख रुपए में आपको ये पड़ जाती है। अच्छा जी, बाकी दोस्तों आपको ना प्लॉट का प्राइस भी बताते हैं, चलिए उससे पहले आपको एक मंदिर भी दिखा देते हैं। ये जो मैंने बताया था कि हमारा ऑलरेडी यहाँ पे मंदिर हमारा बना हुआ है, ठीक है। देखिए हमने पूरा इसमें टाइल्स बिछा दी हैं, अंदर में हमारा मंदिर है जहाँ पे हमने मूर्ति की स्थापना वगैरह सारी चीजें कर दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पे पानी की व्यवस्था, जैसे पानी वानी चढ़ाने के लिए होता है तो नल वगैरह, पानी वानी की सारी व्यवस्था हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके मंदिर के चारों तरफ 25 फीट आगे रोड है, 25 फीट पीछे रोड है और 10-10 फीट अगल बगल में है। जैसे कोई इसके चारों तरफ परिक्रमा लगाता है तो वो यहाँ पे ये रोड है, इधर से उधर से भी रोड है और आगे पीछे, तो वो अपना परिक्रमा चारों तरफ अपना लगा सकता है। क्या बात है, ठीक है। तो यानी कह सकते हैं सर आपने लोगों के आने से पहले मंदिर भी बना दिया और मंदिर का ये चबूतरा भी बना दिया है पूरा। और बाकी अभी हम शूज उतार के जाएंगे, अंदर में हमारा मंदिर है वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये मंदिर है, मंदिर के अंदर ऑलरेडी देखिए मूर्ति स्थापना कर दी है, ठीक है। बजरंग बली है, भोलेनाथ है, माता रानी है, श्री गणेश जी है, भोलेनाथ है, बजरंग बली है, सबकी मूर्ति स्थापना कर दी है। जो भी यहाँ पे लोग रहते हैं वो यहाँ पूजा पाठ करते हैं, आते हैं, सारी चीजें करते हैं। दोस्तों देखिए आपने अब मंदिर भी देख लिया, यहाँ पर हर चीज ऑलरेडी पहले से आपके लिए बना करके दे दी है। और सर
बसावट की बात करें तो, बसावट की बात करें तो देखिए इसे लगे हुए ऑलरेडी घर बने हुए हैं, फैमिलीज रह रही हैं, घर बन रहे हैं आपके और भी। अच्छा जी, सामने है आपकी सारी क्या बात है दोस्तों, कोठी तक बनी हुई है देख सकते हैं आप, और यहीं से आप यमुना एक्सप्रेस वे देख सकते हैं। वो यमुना एक्सप्रेस वे, ये यमुना एक्सप्रेस वे है, वहाँ पे आपका अंडर पास है, किसी को यमुना एक्सप्रेस वे के उधर पार करके जाना है, अंडर पास लेके उधर जा सकता है। ठीक है, अब सर ये बताइए, हमारे व्यूअर्स पे इंतजार नहीं हो पा रहा है, काफी देर हो चुकी है, लेकिन आपने प्राइस नहीं बताया अभी। सर प्राइस अब मैं आपको बता देता हूँ, प्राइस ऐसे प्राइस चाहिए सर जो दिवाली पर हमारे भाई दिवाली मना सके और उन्हें एक अच्छा खासा फायदा हो सके। जी देखिए, हम यहाँ पे अगर प्राइस की बात करते हैं तो सेकंड फेज और थर्ड फेज का हमारा 19,000 रुपए गज का रेट है। ठीक है जी, और जो हमारा फोर्थ फेज है जिसके अंदर हमारा एक एकड़ का गोल्फ पार्क है, ठीक है, वो उसका हमारा जो रेट आ जाता है वो 21,000 रुपए पर गज का रेट आ जाता है। क्या बात है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर प्राइस भी आपको बहुत अच्छे दिए गए। अब आप सोच रहे होंगे क्या यहाँ भी प्राइस बढ़ेंगे, दोस्तों अभी प्राइस का तो बूम आने वाला है क्योंकि जेवर एयरपोर्ट जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा सिर्फ अप्रैल के अंदर वहां से पहली उड़ान उड़ेगी और यहाँ पर फिर से प्राइस के अंदर बूम आएगा और प्राइस बढ़ेंगे। और साथ के साथ सर ने बताया अगर आप दुकान लेना चाहते हैं तो सर दुकान का प्राइस क्या रहेगा, दुकान का प्राइस 19 लाख रुपए का, 19 लाख रुपए की दुकान आज लीजिए, एक साल बाद आपकी 25 से 30 लाख रुपए की आसानी से हो जाएगी। देखिए अभी ही सबसे सही समय है क्योंकि अभी नहीं लिया तो कभी नहीं ले पाएंगे, हाथ से चीजें निकल जाएंगी, रेट इतना हाई हो जाएगा, अभी क्या है आदमी सोच भी पा रहा है लेने का, उस टाइम पे जब ये चीजें स्टार्ट हो जाएंगी रनिंग में आ जाएंगी फिर आदमी सोच भी नहीं पाएगा, ये रेट हो जाएंगे यहाँ पर। दोस्तों इस दिवाली पर अगर आप यहाँ से प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपको यहाँ पर देखिए गिफ्ट के तौर पर मान लीजिए या दिवाली ऑफर के तौर पर मान लीजिए सर रजिस्ट्री फ्री कराएंगे, रजिस्ट्री हमारी तरफ से फ्री है, हमारी कमिटमेंट है, जो भाई हमारा 45 दिन के अंदर पेमेंट करा देगा उसकी हमारी तरफ से रजिस्ट्री फ्री। और दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, वीडियो को अपने यार दोस्त फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें, तो इसी के साथ हम चलते हैं आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।